गाइज ये है हमारी पुरानी कार और इस कार को चलाते चलाते हम थक चुके हैं, क्योंकि गाइज ये जो कार है अभी इतनी ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो चुकी है ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। यहाँ पर देखिए, ना तो इसका एसी ढंग से काम करता है, ना तो इस गाड़ी में ठीक से गाने बज पाते हैं। अभी ये गाड़ी एंड पर आ चुकी है, ठीक है, अभी ये कबाड़ में ही जाने लायक है, क्योंकि अभी 15 साल हो जाएंगे इस गाड़ी को तो कबाड़ में ही जाएगी। तो मैंने सोचा उससे पहले क्यों ना एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जाए कि ये जो गाड़ी देख रहे हो ना, जो कि एकदम नॉर्मल है, इसको हम सुपर लग्जरी कार में बदल दें। जी हाँ गाइस, जैसे महंगी महंगी कारें आती ना करोड़ों वाली, उसमें जो फीचर्स होते ना, वैसे फीचर्स हम इसमें लगाने की कोशिश करेंगे। एंड भाई बन जाने के बाद में आपका भी एक बार मन जरूर से करेगा कि नहीं, इस गाड़ी के अंदर मुझे एक बार जरूर से बैठना है। बट मैं आपको बता दूँ, ये ऐसे ही नहीं बन जाएगी, इसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत ज़रूर से लगने वाली है। और ये जो सारी मेहनत है हम आप लोगों के लिए करते हैं, तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करिए चैनल को सब्सक्राइब और बन जाइए हमारी फैमिली का हिस्सा। एंड हम शुरू करते हैं इस कार को बदलने का। गाइज अब इस गाड़ी पर हम काम करना शुरू करें उससे पहले मैं आपको गाड़ी दिखा देता हूँ कि गाड़ी अभी कैसी दिख रही है और बाद में कैसी दिखने वाली है। तो भाई यहाँ पर देख लीजिए, एकदम गंदी हो रखी है, ना तो इसमें कोई ढंग के फीचर्स है और ना ही कोई इंफोटेनमेंट सिस्टम है, ना ही कोई डिस्प्ले है, ना ही एसी काम करता है ठीक से, मतलब कुछ है ही नहीं। बस ये चलती है और इसमें 4 लोग 5 लोग बैठ सकते हैं, वही है और ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर यहाँ पर देखें तो ये सब कुछ अलग हो जाता है। ओके, तो पहला काम शुरू होगा सीटें निकालने से। गाइस आप इस गाड़ी को पीछे से भी देख सकते हो कितनी ज़्यादा खराब हो रखी है, इसका पूरा का पूरा मेकओवर करना पड़ेगा। तो पहले तो काम शुरू होगा सीटें निकालने से। तो भाई ये बाकी अगर आप देखें तो गाड़ी की हालत कैसी हो रही है। ओह माय गॉड, इसमें तो क्या क्या निकल रहा है पूरी तरीके से, ये बेकार हो जाए। निकल लो, दो पेंसिल है, एक मोबाइल, एक रुपए का सिक्का। इसको बनाते बनाते देखिए, एक मोबाइल फोन निकला है, कमाल है। गाइस अगर आप देखें तो ये गाड़ी बहुत बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है और ऐसे हालात में इसे एक लग्जरी कार नहीं बनाया जा सकता। पहला हमारा जो बहुत बड़ा काम होगा वो इसे अंदर से एकदम अच्छे से क्लीन करनी पड़ेगी, वैक्यूम लगाना पड़ेगा एंड बाहर से भी इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से साफ करना पड़ेगा, तब जाके इसका काम जो वो आगे बढ़ पाएगा। तो पहले है ना इसको साफ करने का काम शुरू करते हैं। गाइस ये रहा हमारा वैक्यूम क्लीनर जो कि अंदर की सारी गंदगी जो वो खींच लेगा। तो आ जाओ मैं इसको करता हूँ शुरू। पहले देख लीजिए किस तरह की गंदगी यहाँ पर है एंड करता हूँ मैं इसको ऑन। गाइज अगर आप देखें तो यहाँ पर कितनी गंदगी थी, सारी गंदगी जो निकल चुकी है। और गाइज इसी तरीके से पूरी गाड़ी जो वो चमक भी जाएगी एंड VIP कार बन भी जाएगी। तो अभी तो भाई साफ सफाई का काम भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। गाइज तो गाड़ी में जो वैक्यूम लगाने का काम था वो हो चुका है एंड नेक्स्ट है अभी इसको वॉश करना है। गाइस अभी बारी है फोमिंग की। देखिए इस तरीके से फोम लग जाएगा एंड पूरी जो गाड़ी होगी वो हमारी एकदम से चमकने लगेगी। गाइस गाड़ी जो वो अंदर से आप लोगों ने देखा किस तरीके से चमकने लगी थी, बाहर से भी सेम हमने इसको चमका दिया है एंड अभी हम मॉडिफिकेशन का काम जो है शुरू कर सकते हैं। गाइस अभी आप देखिए तो हमने चारों की चारों जो सीट्स थी उसे निकाल दिया है। एंड बात करें अगर लग्जरी कार की तो पहली जो चीज़ होती है वो है प्राइवेसी। तो हमें भी अपनी गाड़ी के कर्टन्स बनाने पड़ेंगे, यानी कि जो पर्दे होते हैं वो लगाने पड़ेंगे। गाइस ये रहे हमारे गाड़ी में लगने वाले पर्दे और इसको हम स्प्रिंग की मदद से लगाने वाले हैं। ऐसे मार्केट में अवेलेबल होती है, तो सिंपली करना क्या होगा, देखिए यहाँ पर हमने हुक ऑलरेडी लगा रखे, इसको इसमें लगा देना है एंड इसको खींच के इसमें लगा देना है, देन इसको कर देना है बंद। ओके, खोलना चाहो तो खोल लो, ओके बंद करना चाहो
देन बंद कर सकते हो। तो गाइस इस तरीके से सारी गाड़ी जो हमें कवर करनी पड़ेगी एंड बाद में यहाँ पर नीचे जो प्योर मैटिंग करनी पड़ेगी। और गाइस आप सोच रहे हो ये सिलेंडर वगैरह ये सब तो गंदा लगेगा, बट मैं आपको बता दूं ये सारी चीजें कवर हो जाएगी। और क्या क्या फीचर्स डालने वाले हैं वो हम आगे देखेंगे। 2000 years later. Guys, finally, दो दिन की मेहनत के बाद में हमारी जो गाड़ी है वो रेडी है। अभी हमने इसको कवर कर रखा है, बट उससे पहले मैं आपको दिखाऊं भाई यहाँ पर देखो कितना कूड़ा हमने फैला दिया यार। गाड़ी बनाते बनाते हमारी बैंड बज गई, दिन रात लगे रहे यार, है ना। कोई कोई दिक्कत आती है, आपको भी पता है, ऐसे ही नहीं बन जाती है, क्योंकि हमने ये काम पहली बार किया था। इतना सारा सामान जो हमने फैला कर रखा है इसको तो बाद में समेटेंगे, बट हम खुश इसीलिए है कि हमारी जो लग्जरी कार है ना भाई, ऐसी कार शायद ही कहीं होगी, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये होम मेड है, पूरी तरीके से हमने घर पर बनाया इसको, घर पर नहीं खेत पर बनाया, बट बनाया हमने। ओके, तो भाई ये गाड़ी है, ये खुलने वाली है। और हाँ, ध्यान से देखना, सारे सारे फीचर्स है ना स्किप मत करना। ओके, स्किप करोगे तो आधे फीचर्स तो आप छोड़ ही दोगे कि भाई ऐसे भी फीचर्स है इस गाड़ी के अंदर। आ जाओ यहाँ पर। ओ भाई है ना भाई, मुझे तो इस गाड़ी में इतना मजा आता है कि बात ही मत पूछो। सोचता हूँ यार इसको अपना घर बना लूँ। और ये जो गाड़ी है इसमें जगह कम होती है, आप सोच रहे हो एक छोटी सी गाड़ी है, वैगन आर है। ओके, तो ये एक बंदे के लिए हमने इतना परफेक्ट बनाया है ना इसको, देखो। पहले तो आप ऐसे लेट सकते हो बड़े ही आराम से। और ये जो आरामदायक चीज़ है ना यहाँ पर सारी है ना, इसकी कुशिंग वगैरह की गई है गाइस, ऐसे ही नहीं बनाया। ओके, कुशिंग वगैरह हुई है, बहुत ही बढ़िया आराम मिल रहा है। बाकी अगर फीचर्स की बात करें गाइस, तो मैं पहले शुरू करूंगा आगे से। ये एक छोटा सा सिप है, एक शोपीस की तरह हमने रखा हुआ है, इसको यहीं पर रख देते हैं भाई। अगर गाड़ी वीआईपी है, लग्जरी कार है, तो पानी जो उसके अंदर होता ना वो होना चाहिए महंगा वाला। ये 400 रुपए का आधा लीटर ईवीएन का वो हमने इस गाड़ी के अंदर रखा है। पूरी मतलब यार अमीरों वाली फीलिंग आनी चाहिए, वैसे अपन सच में तो नहीं है, बट फील ले सकते इस गाड़ी की मदद से। ओके, महंगा वाला पानी, काफी धमाकेदार परफ्यूम। अभी गाइस यहाँ पर आए आगे, तो यहाँ पर गाड़ी के पास अपना खुद का पावर स्टेशन है, देखिए। ओके, यहाँ पर इन्वर्टर रखा हुआ है जिसको हमने ढक दिया है ताकि अच्छा लगे थोड़ा सा। और गाइस यहाँ से पूरी गाड़ी को पावर प्रोवाइड होती है। यहाँ से लीजिए, ये है हमारी LED लाइट। इसके लिए यहाँ पर हमारे पास रिमोट है, काफी सस्ता फीचर है, बट ये काफी मजेदार है, देखिए। दूसरी जो चीज है वो है हमारा डिस्को लैम्प। गाइस ये देख रहे हो, ऐसे छोटे छोटे लेजर्स देख रहे हो ना मेरे हाथ में, वो सारे यही जनरेट कर रहा है। देखो गाड़ी में जो है ना 50% जो लग्जरी आ रही है, जो मजा आ रहा है, बाहर जैसा लुक आ रहा है ना, वो इसकी मदद से आ रहा है। अगर मैं इसको रिमूव करूँ मजा चला गया, मतलब कम मजेदार लग रही है, देख रहे हो ना। तो ये भी एक काफी कमाल का फीचर है, गाड़ी को एकदम एनहेंस कर देता है। बाकी गाइस यहाँ पर बात करें, अगर गाड़ी के अंदर मैंने आपको बोला था कि ऐसे ढंग से काम करता नहीं है, तो ये रहा हमारा कूलर भाई, इसको चलाओ। ओ देखो हवा आ रही है, बहुत तेज वाली हवा आ रही है, एंड पूरी गाड़ी को आराम से जो है ठंडा कर सकता है। इसको हमने टच वाला रखा है, देखो ये भी टच करो, हल्का सा टच करो, बंद। बहुत मजेदार चीज है ये भी। ओके, इसको साइड में रखते हैं गाइस। अभी भाई यहाँ पर अगर लग्जरी कार है तो आपकी प्राइवेसी तो होनी चाहिए, जैसा कि मैंने आपसे बात करा, तो हमने पर्दे वगैरह लगा दिए थे, चारों तरफ पर्दे हैं। ओके गाइस, यहाँ पर है हमारे पास एक 100-पीस आइटम जिसके अंदर ऐसा बाउंडर बनता ही रहता है। वो जोगिंदर वाला बाउंडर नहीं है, ये अपन का बाउंडर है। देखो अगर मैं कोई काम करना चाहूँ तो गाइस सिंपली मुझे घूम जाना है, अगर काम करना चाहूँ तो यहाँ पर अपना काम कर सकता हूँ बड़े आराम से। लैपटॉप दिखा दूसरा गाइस, यहाँ पर अगर कोई भी काम हो तो लैपटॉप की मदद से हो सकता है। बाकी अगर मुझे एंटरटेनमेंट चाहिए तो यहाँ पर 32 इंच का टीवी लगा हुआ है भाई साहब, है ना धमाकेदार चीज, मतलब बोलिए हमारे सारे वीडियोस है। ओके, इसको आप देख सकते हो, यहाँ पर पीछे की ओर टीवी लगा रखा है। ऐसे देखिए, थोड़ा सा दूर बैठकर देखिए, कहीं पर भी देखिए, ये तो ठीक है, अभी कैमरामैन है, बाकी आप वहां से टीवी भी इसकी देख सकते हो। एक और फीचर है मुझे काफी ज्यादा पसंद है, और अभी तक मैंने आपको वो दिखाया ही नहीं है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। यहाँ पर आप एंड जैसे ही इसको खोलते हो ना भाई साहब, इसके अंदर काफी सारी कोल्ड ड्रिंक्स मिल जाती है। जो भी कोल्ड ड्रिंक चाहिए उठाइए, मजे से पीजिए, ठंडा पानी पीना है महंगा वाला, 400 रुपए का आधा लीटर, यानी कि 800 का लीटर पानी पीना है तो भी रखा हुआ है। काफी सारी कोल्ड ड्रिंक्स रखी हुई है यहाँ पर, सारे इसके पावर कोर्ड है, यहाँ से गाड़ी को पावर मिलती है। ओके, आ जा छोटू। एंड गाइस जो फीचर्स है ना गाड़ी के, वो हूबहू वैसे ही काम करते रहेंगे जब गाड़ी चलेगी या फिर नहीं चलेगी, बट पीछे बैकग्राउंड में अगर देखे तो हमारी वीडियो जो वो प्ले हो रही है। ओके, और आगे आए छोटू ड्राइवर भाई, मिस्टर बिन की तरह बैठ तो गया, चला भी पाएगा। यहाँ पर स्टूल आ चुका है जिसके ऊपर बैठ कर आप गाड़ी चला सकते, जाने दो।
वो गाइस गाड़ी चल रही है, यहाँ पर दिखाओ जरा, ये पूरा देख लो एकदम हिल रहा है गाड़ी जो वो चल रही है, मतलब यार चलेगी तभी आप इस फीचर का मजा ले सकते हो या फिर नहीं, इसीलिए हमने इसको चलाना भी शुरू कर दिया। और ये गिर जाएगा, आ गया नीचे आ गया। छोटू तूने कैसे चलाई यार? अरे वो घटे नहीं, चलो कोई नहीं गाइस अभी ये निकल चुका है, बट यहाँ पर अभी आराम से लग सकता है। ये तो पहले से मजा आ रहा है इसमें चलाना। पहले एकदम गंदी सीट्स वगैरह हुआ करती थी, आप देखिए गाइस एकदम रॉयल है ना, महंगा वाला मैट हमने यूज किया है गाइस। इसके अंदर में यहाँ पर आइए, अगर आप देखे तो ये पूरे के पूरे जो मुलायम है, देखिए यहाँ पर टच कीजिए है ना, बंद कर दे छोटू, ये तो एकदम सॉफ्ट है ना बहुत। गाइस कुशिंग जो वो इतनी जबरदस्त हुई है कि बात ही मत पूछिए। इसके अंदर 24 आवर चैलेंज करेंगे, करते हैं गाइस। है तो मजेदार जगह है, मजेदार है, एंड टीवी है हमारे पास, एंटरटेनमेंट का सारा सामान है, सब चीजें है ओके। तो इसके अंदर 24 घंटे बिताना मेरे हिसाब से एकदम आसान रहेगा हमारे लिए। सो गाइस यही थी आज की वीडियो, काफी मेहनत से हमने ये कार बनाई थी, सब कुछ इसमें से रिमूव किया, इतने सारे फीचर्स ऐड किए, एंड आई होप ये जो आज की वीडियो थी वो आप लोगों को पसंद आई होगी। और पसंद आई है तो पता है ना क्या करना है, लाइक का बटन जो उसे फटाफट से दबा देना है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करिए चैनल को सब्सक्राइब, एंड बेल के आइकन पे प्रेस ताकि हमारी नेक्स्ट ऐसी धमाकेदार वीडियो आप सबसे पहले देख सके। वाह लाइक भाई मैं ऑन करता हूँ, थोड़ी सी गर्मी हो रही है।